हीलो ट्विटर ऐप इंडिया के टीचर के लिए सबसे सुविधाजनक ऐप है, जहां आप घर बैठे 20,000 कमा सकते हैं, वो भी दिन के 4 घंटे पढ़ाकर। आप पूरे इंडिया के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। इस ऐप का सबसे खास बात है कि आप कभी भी अपने समय के अनुसार और कहीं से भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट का होमवर्क और डाउट सॉल्व करने में आप हेल्प कर सकते हैं। आपका जो भी नंबर पैन कार्ड में दिया है उसी नंबर से रजिस्टर करना होगा हीलो ट्विटर ऐप पर। मंथली पे आउट विथ एक्स्ट्रा इंसेंटिव आज ही डाउनलोड कीजिए हीलो ट्विटर ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2021-24 में BA BSc BCom में नामांकन लेना चाह रहे हैं, उनका 4th मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके 4th मेरिट लिस्ट को चेक कर पाइएगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करके ऑफर लेटर को डाउनलोड करके कॉलेज में जाके सत्यापन कराइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अभी आपका एडमिशन चल रहा है, आगे चल के VKSU का पल पल का खबर प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल और stresult.com वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU वाला ऑफिशियल। लगभग आपको 35,000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। वहां एक एक कॉलेज का सूचना मिलेगा, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलेगा। एक आपका डिस्कशन ग्रुप है VKSU वाला स्टूडेंट हेल्प, जहां 15,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे। वहां आपका एग्जाम के समय, रिजल्ट के समय छात्र हित में ग्रुप को खोल दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पे जाके आपको लिखना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं stresult.com आपका एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर देखिए सबसे किनारे में दिखाई दे रहा है एक बेल आइकन, इसको प्रेस करके यहाँ से आप वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पल पल का खबर आपको वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कुछ अपडेट आएगा। तो जैसे अभी बच्चों का नाम नहीं आएगा 4th मेरिट लिस्ट में, बहुत सारे बच्चों का कटअप नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट लिस्ट में आएगा। और 5वां लिस्ट के बाद आप कॉलेज और सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे आपको 4th मेरिट लिस्ट का कटअप देखना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए नीचे आइएगा stresult.com पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा यूनिवर्सिटी अपडेट VKSU वाला। यहाँ से सारा अपडेट VKSU का मिलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं जिससे छात्रों को दिक्कत नहीं हो। देखिए फर्स्ट पेज पर ही नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU UG 4th मेरिट लिस्ट 2021 चेक। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड को क्लोज करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप 4th मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहां से आप 4th मेरिट लिस्ट का कटअप देख सकते हैं, किस कॉलेज में कितना एडमिशन हो गया है। यहां से आप सीट अवेलेबिलिटी से चेक कर सकते हैं। यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं VKSU का। चलिए हम लोग को चेक करना है 4th मेरिट लिस्ट का यहां पर, तो यहां पर चलिए क्लिक हियर पर। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर 21G करके आपको एक यूजर नेम मिला होगा, फॉर्म भरते समय उसको डाल देना है। यहां पर पासवर्ड डाल के उसके बाद यहां पर कैप्चा डाल के चलिए लॉग इन पर क्लिक करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल्स को डाल दिया है। चलिए यहाँ पर अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर में दिखाई देगा व्यू मेरिट सिलेक्शन, या आप नीचे आइएगा, नीचे आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू मेरिट स्टेटस, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए जितना कॉलेज आप यहाँ डाले हैं सारा आपका दिखाई देगा। जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ नॉट सेलेक्टेड लिखा रहेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया है सेलेक्टेड लिखा रहेगा, UG 4 लिखा रहेगा, और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट। देखिए जहाँ जहाँ आपका नाम आया रहेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करके उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करके ऑफर लेटर को डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करके आप कॉलेज में जाइए, मैट्रिक इंटर का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर और कॉलेज में जाके सत्यापन करा लीजिए। अब चलिए 4th मेरिट लिस्ट का कितना कटअप गया है चलिए आपको बता देते हैं। stresult.com से जहां से आप 4th मेरिट लिस्ट को चेक कर रहे हैं यहां पर देखिए नीचे आपको दिखाई देगा कटअप। यहां पर देखिए यहां पर आपको कटअप देख लेना है। यहां पर क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा, आपका 4th मेरिट लिस्ट का कटअप यहां पर गूगल ड्राइव की मदद से खोल लेना है।
तो देख सकते हैं एक एक कॉलेज का यहाँ पर आपको 12 पेज में कटअप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आपका डिग्री, यहाँ पर सब्जेक्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका कटअप दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ जहाँ आपका जीरो लिख रहा है, जैसे यहाँ पर जीरो है, तो जहाँ जहाँ जीरो लिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सीट फुल हो गया है। जीरो का मतलब क्या है? सीट फुल हो गया है। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। जल्दी जाके आप एडमिशन ले लीजिए जिनका जिनका आया है नाम। जिनका नहीं आया है पांचवा मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, पांचवा मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। पांचवा मेरिट लिस्ट के बाद आप कॉलेज और सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।